राम सिंह पार्टी इंडिया गठबंधन के और 39,000 वोट पवन सिंह को मिले। ऐसा लग रहा था वैसे राजीव जी, उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी थी काराकाट में, वो जा रहे थे जब चुनावी प्रचार के लिए भी, तब भी लोग कह रहे थे कि भाई वोट नहीं देंगे, आइए बैठिए। करीब करीब पवन सिंह बराबर वोट पा जाएंगे तो उनको तो हरवाई दी निश्चित तौर पर। अनुप्रिया, मैं आपसे रिएक्शन ले लूं, बिहार की स्थिति जो है उसके बाद गलत फैसला होता हुआ दिख रहा है क्या, गलत चलेगा एनडीए के साथ? अनुप्रिया, नहीं रीमा जी, मैं अभी आप ये कहना मुश्किल है कि हम गलत फैसला ले लिया सही फैसला, क्योंकि देखिए सही फैसला यह था कि हम एनडीए में बहुत सालों से हैं और हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी के साथ था। लेकिन जो जनमत है वह देखिएगा आपकी जब 4 बजे या 5 बजे होगा, जो हम कह रहे थे कि 40 में 40 सीटें, और खासकर में जेडीयू की जनता ने जो 7 फेजों में इलेक्शन गरिमा जी, पहले फेज को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी फेजों में आप देख रही होंगी, ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में भी है कि महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी और पिछले चुनाव से अधिक थी। हर सीटों पे महिला मतदाता निकल के वोट की, और महिला मतदाता अगर वोट करती है बिहार में तो ये बहुत स्पष्ट होता है कि वह वोट एनडीए की तरफ होता है। नहीं, लेकिन अनुप्रिया जी ठीक है, आप पॉजिटिव हैं और मैं भी इसको पॉजिटिवली ले रही हूँ, लेकिन अगर 4 बजे तक, आप कह रही है 4 बजे तक तस्वीर साफ होगी, 4 बजे तक भी यही स्थिति रही, फैसले को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। जयपुर शहर से मंजू शर्मा जीत गई है बीजेपी की कैंडिडेट, तो एक बड़ी खबर जयपुर शहर से बीजेपी के मंजू शर्मा के जीतने की खबर आ रही। सुकेश, आप कुछ कह रहे? मैं टकटकी लगा के उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की कासगंज सीट है, वहां से नहीं एटा सीट होगा ये, वहां से बहुत मामूली अंतर से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह आगे हैं, बहुत मामूली अंतर एटा से तो उत्तर प्रदेश की, और 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है उसके बाद, 15 राउंड की काउंटिंग के बाद एटा से कल्याण सिंह के बेटे आगे दिख रहे हैं। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी का जो ये स्क्रीन दिख रहा है 862 वोटों से, तो ये जो टैली अभी की मैं आपको दिखा देती हूँ, एनडीए 291, इंडिया 237 पर खड़ा है, और एक बार अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी तमिलनाडु में बीजेपी अब मात्र एक सीट पर आगे दिख रही है। उत्तर प्रदेश में ये टैली लगातार सस्टेन कर रही है और इसीलिए सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर है। पश्चिम बंगाल बीजेपी 10 पर लीड लेती हुई और टीएमसी 28 सीटों पर, कर्नाटक में एनडीए 20 सीटों पर, कर्नाटक तकरीबन बेहतर नतीजे दे रहा है एनडीए के लिहाज से अगर मैं देखूं, और महाराष्ट्र की टैली बेहद चौंकाने वाली, हालांकि मराठा आरक्षण से लेकर बहुत सारी नाराजगियां वहां पर थी और इसीलिए 17 सीटों पर बीजेपी मात्र आगे दिख रही है। बिहार की स्थिति भी यही फिलहाल नजर आ रही है। बीजेपी 17 सीटों पे नहीं है, बीजेपी प्लस कह लीजिए बीजेपी प्लस कह लीजिए, महाराष्ट्र एनडीए 17 सीटों पर और इंडिया 30 सीटों पर। विनोद जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का रिवाइवल अगर ये सस्टेन करते हैं फिगर्स, उत्तर प्रदेश में रिवाइवल है कांग्रेस का, और ये एक मेजर बात है। अगर ये सस्टेन कर लेती है कांग्रेस तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का भविष्य उज्जवल हो सकता है। और जैसा कि कहा गया कि वहाँ पर जो इलेक्शन लड़ा गया खासकर अमेठी में, उसमें प्रधानमंत्री मंडी में तो गए कैंपेन करने कंगना रनौत के लिए, लेकिन अमेठी में कैंपेन करने नहीं आए, तो इससे जाहिर है कि शायद उनको पहले इस बात का अंदेशा था कि अमेठी की सीट आसानी से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती और प्रधानमंत्री अपनी प्रतिष्ठा वहां दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। अब रही बात महाराष्ट्र की, तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र इज द सेकेंड बिगेस्ट स्टोरी आफ्टर उत्तर प्रदेश, एंड वेस्ट बंगाल ने एक बार फिर ममता बनर्जी ने अपनी इनविंसिबिलिटी, विनोद जी रुझानों में यूपी से बीएसपी साफ दिख रही है, बड़ी खबर इस वक्त की, रुझानों में उत्तर प्रदेश से बीएसपी साफ दिख रही। राजीव, जो आप बात कह रहे थे कि क्या ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा होगा कि बीएसपी का न सिर्फ सीट शेयर बल्कि वोट शेयर भी तकरीबन साफ उत्तर प्रदेश से, पिछली बार 19% का वोट शेयर था और 10 सीटें थी। सीट का तो कोई सवाल ही नहीं है, बीएसपी का खाता तो खुलना ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये तो पीछे भी नहीं खुला था 14 में भी।
सीट नहीं आनी एक अलग बात है, लेकिन बीएसपी जहां 4-4 लाख वोटों की गिनती हो गई, वहां 4,000-3,000 उसके कैंडिडेट हाथी चुनाव चिन्ह को मिलेगा। हाँ, कई जगह निर्दलीय उनसे आगे। हाँ, कई जगह निर्दलीय उनसे ज्यादा।